दोस्तों अभी हम जंक्शन के ठीक सामने हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे मैं आपको स्टेशन का जो जंक्शन का मेन गेट है वो 6 नंबर ये गेट है, और यहाँ से आपको पूरा या 5 नंबर गेट आप नज़र आ रहा देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है हम बीच सड़क पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और 5 नंबर गेट के बाद से हम यहाँ पे अंदर जाते हैं जंक्शन के अंदर और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि अभी हम गोरखपुर जंक्शन पे हैं। कोरोना काल में यहाँ का जो स्थिति है काफ़ी नॉर्मल है सब कुछ, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा अपने बैक कैमरे से कि यहाँ का गोरखपुर जंक्शन का क्या स्थिति है। अभी तो ट्रेनें बहुत कम चल रही है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पहले होती थी। तो अभी हम गेट नंबर 5 के पास हैं, आप यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं गेट नंबर 5 है। और यहाँ पे मतलब फ्रंट कैमरे से उसका जो लिखावट है, राइटिंग है, वो मतलब कि उल्टा नज़र आता होगा। तो यहाँ पे हम अपने बैक कैमरे से यहाँ का बाहरी नज़ारा आपको करा देते हैं, गोरखपुर का जो स्टेशन का बाहरी नज़ारा है वो कैसा दिखता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मैं चलिए दोस्तों देख लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा सारा मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कैसा दिखता है कोरोना काल में। और यहाँ पे हमारा मेन जो जंक्शन है वो ये जंक्शन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरंगा कलर लगाया गया है, ऊपर में रेड है, वाइट है और ग्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके आगे ये जो जंक्शन है उधर भी काफ़ी बड़ा है। और गेट नंबर 1 जो है आपको यहाँ पर ही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड मिल जाता है, साइकिल गाड़ी स्टैंड वही है आपको। और यहाँ पे आपके सामने जो है वो पुराने ज़माने का जो इंजन है वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, जंक्शन के ठीक सामने आपको ये डेमो रखा गया है ट्रेन का। मुझे तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। रात में मैं इसका आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन आपको नज़र आ जाता है, तिरंगा झंडा के ही नीचे, यानी कि कुल मिलाकर के पार्क के अंदर ही तिरंगा झंडा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और कोरोना काल में अभी फ़िलहाल ये बंद है, तो दोस्तों आप इसका नज़ारा ले सकते हैं। आज की रात मैंने इसे वीडियो शूट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट जो है वो बंद हो गया है, और इसके बगल में ही यहाँ पर डेमो इंजन है, पुराने ज़माने का जो इंजन है वो रखा गया है, आप देख सकते हैं। इसीलिए गोरखपुर को गोरखपुर कहा जाता है, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना पुरानी चीज़ को डेकोरेट करके रखा गया है। ये देखिए इज्जत नगर का ये छोटी लाइन जो ट्रेन है वो हमारे सामने है, और ये भी आप इसका दीदार कर लें, नज़ारा ले लें, कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। छोटी लाइन है और इसको भी डेकोरेट करके रखा गया है। और हमारा जो जंक्शन है, गोरखपुर जंक्शन है, उसमें बीच बीच में ये जो पेड़ लगाई गई है उसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है, इस जंक्शन की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने गोरखपुर का नज़ारा कराया और यहाँ का व्लॉग बना करके आपको अपडेट किया, ये इंजन देख रहे हैं ठीक उसी के सामने हम यहाँ पे अब व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूले, कॉमेंट्स करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।